अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ ज़ैनब हैदराबाद डायरी से। और अगर आप लोग अभी तक NOD TV को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आदाब नाज़रीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। आज एक इतला पे अफजलगंज पुलिस स्टेशन के क्राइम टीम और कमिश्नर्स टास्क फोर्स ई जोन जॉइंट ऑपरेशन में एक रॉबरी गैंग को पकड़े हैं, जिसमें 4 मुजरिम शामिल इन्वॉल्व है। और इनके पास 1,76,000 रुपीस, 3 बाइक्स, 1 नाइफ और 4 सेलफोन का बरामद हुआ। अक्यूज का डिटेल्स, मोहम्मद सिराज, ये पान शॉप में काम करता है, हफीज बाबा नगर का है। सैयद नसीर, ये AC टेक्नीशियन है चंद्रायन गुट्टे का, और इसके ऊपर एक रौडी शीट भी है कंचन भारती से। और शेख हमदान बिन सालम, ये भी AC टेक्नीशियन है एर्राकुंटा का। और अदनान बिन शफी, ये मदीना कॉलोनी कोतपेट बारकास में रहता है। 20 तारीख मिडनाइट में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट शेख बबलू और सिराज, ये दोनों संतोष नगर में पान शॉप में काम करते हैं, राघवेंद्र पान शॉप और लक्की पान शॉप। ये शॉप क्लोज करके शॉप ऑलरेडी सेल में लगाए थे, तो उसमें जो एडवांस मिला 2 लाख रुपए का, 1,90,000 रुपीज़ का, वो लेके ओनर यूसुफ को देने बाजार घाट जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सिराज पीछे बैठा था और शेख बबलू गाड़ी चला रहा था। संतोष नगर से निकलकर ये अफजलगंज PS लिमिट्स रंगमहल के पास आने के बाद दो लोग बाइक पे आके इनको इंटरसेप्ट करे और इनको चाकू दिखा के धमका के उनको मार के 1,90,000 रुपये इनसे छीन लिए। और ये इंफॉर्मेशन पे हम एक केस भी रजिस्टर करें, रॉबरी केस, केस नंबर 273/22। ये आने के बाद हमारा पूरा ईजोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज के क्राइम टीम दोनों कैमरास और लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 4 लोगों का गिरफ्तारी करें। और ये मालूम हुआ कि जो पीछे बैठा था सिराज, ये प्लानिंग कर रहा था। सिराज ये दोनों शॉप्स में से, ये भी एक वर्कर है वो पान शॉप में, तो उसको अपने ये पान शॉप वो ख़रीदना चाहता था। और जब उसको मालूम हुआ कि ये पान शॉप ऑलरेडी बिक गया, तो अपने हाथ से निकल जा रहा है बोल के ये ऐसा पूरा प्लानिंग करके सैयद नासिर से डिस्कस किया और 2 लोगों को भी इसमें पूरा ये प्लानिंग में शामिल करे, हमदान बिन सालम और अदनान को, इन दोनों को पूरा प्लानिंग करके ये जब संतोष नगर से निकले इन दोनों को फॉलो करें और रंगमहल में पे आने के बाद उनको इंटरसेप्ट करके उनको चाकू दिखा के धमका के पैसे छीन लिए। तो 1,90,000 में 1,76,000 रिकवरी हुआ। और इन सब लोगों को आज गिरफ्तार करें और इनको रिमांड भी जाएंगे। इस पूरा ऑपरेशन में देवेंद्र ACP सुल्तान बाज़ार, इनके सुपरविजन में रविंदर रेड्डी इंस्पेक्टर अफजलगंज और ईजोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर जानैया, प्रवीण डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अफजलगंज और पूरा क्राइम स्टाफ अफजलगंज का और टास्क फोर्स स्टाफ ईजोन का इसमें पूरा अच्छा काम करे, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये व्हीकल जो है वो 3 व्हीकल भी बरामद हुआ, बरामद हो तो ये भी सिराज का एक व्हीकल चोरी का आया, इसको भी लोग वो किए।
चोरी, ये पूरा चोरी में इन्वॉल्व है। हाँ, एक सिराज का बाइक, एक नासिर का बाइक और दूसरा बाइक जो शेख हमदान और अदनान ने यूज़ किया, वो तीन बाइक। इससे पहले भी कोई डेफेक्ट में या किसी में और क्लूज मिले हैं ना? पुराना कोई बाइक, पुराने केसेस नहीं है, मगर सैयद नासिर के ऊपर एक मर्डर केस है कंचनबाग में हुआ, और शेख हमदान के ऊपर एक पोक्सो केस है और एक टू व्हीलर थेफ्ट केस है, अदनान के ऊपर एक NDPS केस है और एक किडनैपिंग केस है, किडनैपिंग केस भी।